हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने सोचा कि नहा धो के थोड़ी सी रेडी हो जाऊं, और मेरे बालों में फिर से हवा भर गई है, देख ही रहे होंगे आप लोग, पर ठीक है, मुझे मैं पसंद हूँ। बहुत दिन तक मैं थोड़ा लिपा पोती करने में ना बड़ा मज़ा आता है और थोड़ा अच्छा भी फील होता है। तो देखिए आज का बाहर का मौसम कैसा है। बहुत धूप है आज तो, आज पूरी छत खाली है क्योंकि कॉफ़ी और मनी नीचे है, इसलिए छत थोड़ी साफ़ सुथरी भी दिख रही है। मस्त मौसम है, बट करें भी तो क्या करें, कहीं जाने को नहीं, कहीं आने को नहीं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जो यहाँ पास का मार्केट है जिसको मैं बजरिया बोलती हूँ, वहाँ पे गए हुए मुझे एक महीने से ज़्यादा हो गया, आई थिंक एक महीना दो दिन या तीन दिन हो चुके हैं कि मैं बाहर नहीं निकली हूँ। और इस वजह से कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से अपना मतलब जो कंटेंट देना चाह रही हूँ या जिस तरह का व्लॉग मैं शूट करना चाह रही हूँ वो भी मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि घर ही घर घर में रहते हैं और हम लोग के यहाँ पर मतलब एज सच वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब बस रोज़ का रूटीन सेम ही है, सुबह उठे और खाना खाया, नाश्ता किया, कॉफ़ी मनी के साथ खेले और वैसे वैसे करके। तो थोड़ा बहुत मुझे भी बाहर निकलने का मन हो रहा है, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि बाहर नहीं निकलना ही ज़्यादा बेटर है यहाँ पे अभी के वक्त में, कोरोना वायरस के टाइम पे नहीं निकले तो बेटर है। कम से कम आज एक महीना हो गया है, ठीक है, बट सेफ़ तो है, हेल्दी तो है, बेकार में निकले एक दिन और टेंशन हो जाता है। बट हाँ, फिर भी प्रिकॉशन के साथ मास्क वास्क लगा के जो भी मुझे कुछ हल्का फुल्का लेना होगा तो कोशिश करूँगी निकलने का, जाने का। पूछ रही थी मैं आरुषि से कि कुछ खुला है या नहीं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है और ट्रेन जा रही है तो अवॉइड कीजिएगा, तो वही मुझे पता भी नहीं है कि मार्केट भी कुछ खुली है या नहीं। बट देखें, 17th of May से बोल रहे थे कि शायद खुलेगा लॉकडाउन, तो लेट्स सी, अभी देखें। नीचे जाती हूँ, फिलहाल तो नहाई हुई हूँ मैं। तो कल मैंने एक ही हाथ की मेहंदी लगवाई थी और सो आज मैं अपनी राइट हैंड वाली भी मेहंदी लगवा ले रही हूँ, तो अभी वहीं जा रही थी। तो ये हमारी आरुषि की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, विदाई होने वाली है आरुषि की, जिसके लिए ऊपर से गजर मजर मेहंदी लग रही है। हाँ आरुषि, कैसी फीलिंग है आरुषि? अरे आरुषि, अरे देख इधर तो देख, कैसी फीलिंग है बता? कैसी फीलिंग है? मतलब कैसा लग रहा है मेहंदी लगा के? अभी दो तीन दिन में लड़की टाइम, दो तीन दिन में विदाई हो जाएगी तेरी। हाँ खुशी छुप रही है, सामने वो सुंदर बन के आऊंगी। ज्यादा हरा हरा सुख रहा है आंटी कहती। अभी मम्मी ससुरा नहीं बोल रही है, मम्मी कहती ससुरे नहीं तो जा। अरे जा रहा हूँ, चाय तो पी लो, जब लाइट चली जाएगी तब जाएगा। हाँ रोज का धंधा है। देखिए दोनों को कैसे लड़ाई कर रहे हैं, ये देखिए कान खुजला रही है। और नहाई भी मास्क पहन के हो क्या? नहीं नहीं आंटी, सतर्क हो गई है मम्मी, एकदम सही है, हर वक्त मास्क पहन के रहती है मम्मी। आंटी अब मेरी जैसे अम्मा की तरफ भी सोती हो तब भी मास्क लगा के सो जाती है। मम्मी अम्मा पे भी भरोसा नहीं करती, जबकि अम्मा कहीं निकलती नहीं है, फिर भी आंटी के नहाने से देखो आईना चिपक गई है पानी से। हाँ मम्मी फ्रेश लग रही है एकदम, ये पोछा पानी। मम्मी ये नहा नहीं रहा है, कब जाएगा नहा? जा रही है नहीं ससुरे? बेका ससुरे निकल ही गया मुंह से। अरे दिल में दुख लग गया। मास्क भी बात कर रहा है, देख खुशी बोलियो कुछ भी। हेलो देख खुशी का मास्क भी बात कर रहा है। मैंने सिखा दिया मैं जितना। मम्मी ध्यान कर रही है, डिस्टर्ब नहीं करना। मम्मी ध्यान कर रही थी, मैंने पकड़ लिया है। ओम नमः शिवाय। अरे आज तो प्रार्थना पूरी होगी होगी इसको, जब देखो मूवी देखनी होती है रुक रुक के। नहाएगा नहीं नहाएगा? आज रात को मेन व्यक्ति बहुत जोरदार क्या कर तपस्या हो रही थी यहाँ पे, हम लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। टीवी
लगी भगवान का। ओम नमः शिवाय, जय हो। तो आज बनेगी मैगी, बिकॉज मम्मी को जैसे कि मैंने बताया खाना बनाने का मन नहीं है, तो हाथ में भी दर्द है ना, हाथ में दर्द हो रहा है मम्मी को, तो मैगी बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ सरसों तेल वाली आज मैगी। दो मैगी है तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैगी मसाला है। और एक मैगी कहाँ है? की है और ये मेरी है, और सरसों तेल में बनी हुई मैगी सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत मस्त लगती है। फिलहाल जाके ये भैया को दूँ। मैगी भैया को खिला के आ गई, खुद भी खा लिया, मज़ा आ गया। क्या चाहिए आपको, क्या मांग रही हो? मज़ा लिए रहो। मांग क्या रही हो आप? मैं दही मांग रही। दही मैंने बाहर निकाल के रखा था, यही तो दही है शायद, खोलना है इसको। हाँ दही है, ये तो आलू है। अरे तो फ्रिज में फिर से रख दिया? वो उसी टाइम एकदम चिल्ड हो रहा था। आज पता नहीं मन कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी मत खाना। तो फिर से रोज की तरह अब हम लोग चले सोने, और ये रहे थैले। इसको इसको रखो कहीं, हटा के यहाँ पे क्या कर रहा थैला? अच्छा मैंने दवाई निकाली थी, और क्या बोलूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मेरा दिन तो अच्छा ही गया, क्या बोलते हैं उसको, कुल मिलाकर अच्छा गया। तो फिर आती हूँ कल कोई नए ब्लॉग के साथ। कौन सा ब्लॉग के साथ? कुछ तो करेंगे, तो कल एक नए ब्लॉग के साथ आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। होपफुली आप लोग भी अच्छे रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के रहिए, और सैनिटाइजर से ज़्यादा मैं तो बोलूँगी हैंड वॉश कीजिए। और मेरी मेहंदी लगा ली थी मैंने। एनीवे चलिए, गुड नाइट, टाटा बाय।